दोस्तों जय श्री राम। आज हम आए हैं बागेश्वर धाम, प्राचीन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम गढ़ा छतरपुर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप लोग भी हमारे YouTube पे हम आए हैं आज दोस्तों, तो ये देखिए हम चल दिए हैं मंदिर के अंदर। हमारे साथ हमारी माँ आई है, भाई आए हैं, और अब हम आपको हमारे लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, हम आपको पूरा मंदिर का दर्शन कराएंगे और आपके मंदिर के बारे में आप सभी को हम बताएंगे। तो हम चल रहे हैं मंदिर में, प्रसाद ले लिए दोस्तों, और प्रसाद लेने के बाद हमारी माते मिलती हैं आगे, और हम लोग चंदन लगवाएंगे पहले एक लड़की से। ये देखिए हमारी माँ आ गई, माँ ने चंदन लगवाया, हम भी चंदन लगवाएंगे दोस्तों। ये देख रही है माँ के हाथ माथे पे चंदन लग चुका है। अभी हमारे छोटी सी नन्ही सी बालिका मेरे माथे पे देखिए कितनी अच्छी तरह से चंदन लगा रहे, बहुत ही अच्छा लगाएगी। अभी आप लोग देखते रहिए, ये देख लीजिए। ये देखिए हमारा बनेगा महाकाल का, ये देखिए महाकाल हमारे त्रिशूल बन चुका है। बगल में राधे राधे आएंगे, अभी अपने हाथों से बना देगी, देखिए रख देगी राधे राधे। ये देखिए राधे लिख गया, इधर भी राधे लिख गया। हमारा चंदन लग चुका है, हम इसको दक्षिणा दे के अब आगे चलते हैं। मेरा चंदन ज़्यादा ही ज़्यादा लग गया है। ये देखिए चारों लोग हैं, अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से देखिए कितने लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर और अपनी भवबाधा और अपना जो भी अर्जी है। देखिए नारियल आपको चारों तरफ, यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज़, जिस लोगों को अर्जी लगाना होता है तो मंदिर में, ये मंदिर के द्वार है मुख्य द्वार। अब यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ नारियल बांधने की वो है। ये देखिए हमारी माते हमारे साथ, अब हम अंदर चल रहे हैं और अंदर चल के आपको मंदिर का व्यू दिखाएंगे और लाइन दिखाएंगे, कितनी भीड़ रहती मंदिर के अंदर। तो हमारा आना बहुत ही सौभाग्य था जो हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए और फैमिली के साथ आए दोस्तों। ये देख लीजिए सीताराम सीताराम कहते रहिए। देखिए एक भक्तजन लोग मिले हैं जो सीताराम सीताराम करते हुए मंदिर के अंदर जा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो सीताराम सीताराम बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। ये है, ये देख लीजिए चिंता किस काम को, जय बोलो बागेश्वर धाम की। तो सच में दोस्तों यहाँ के सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, ये देखिए मंदिर के ऊपर आ चुके, मंदिर के पास आ चुके हैं। ये पेड़ है, यहाँ भी देखिए कितने सारे लोग भक्तजन अपनी समस्या लेके बैठे हुए हैं बालाजी सरकार के सामने। और आप लोग भी दोस्तों जिनको कोई भी समस्या है तो ज़रूर यहाँ आके अपने कष्ट को वो ठीक करा सकते हैं। यहाँ बालाजी सरकार, बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं और अपने कष्ट का निवारण करके जाते हैं। तो दोस्तों हम भी आए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है यह मंदिर और बहुत ही अच्छा लगा हमको यहाँ आके, जो कि अब यह मंदिर के सामने आ गए, परिक्रमा पे लगेंगे। ये देखिए परिक्रमा पे आ चुके हैं, यहाँ से लाइन लगी है दोस्तों, काफ़ी लोगों की भीड़ है, देख सकते हैं आप छोटे बच्चे। ये हम आ चुके हैं मंदिर के पास प्रभु जी के, ये हमारे सामने मंदिर दिख रही है, ओम बागेश्वराय नमः। तो दोस्तों ये हमारे बालाजी सरकार बागेश्वर धाम का मंदिर है, ये देख लीजिए ये लाइन लगी हुई है, काफ़ी भक्त भीड़ में हैं। ये देखिए एक धीरे धीरे करके आ रहे हैं और ये देखिए गुरुदेव का मंदिर है, ये बालाजी सरकार का मंदिर है। मैंने बहुत ही चोरी से दोस्तों ये वीडियो बनाई, वहाँ बनाने नहीं दे रहे, तब भी आप दर्शन करिए श्री बालाजी बागेश्वर धाम सरकार जी का। ये देखिए बैठे हुए हैं और वहाँ दोस्तों मंदिर पे वीडियो फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए मैं बहुत चोरी से बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वीडियो देने के लिए बनाई है। मैंने प्रसाद दे दिया, दक्षिणा भी दे दी मैं चढ़ा के, और बागेश्वर धाम जी का बालाजी सरकार को मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद दोस्तों हम वहाँ से चल रहे हैं, अभी हमको बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। ये देखिए लाइन से आप बाहर निकल जाएंगे, या आप फिर से देखिए दर्शन करिए बागेश्वर धाम जी का। बोलो बागेश्वर धाम की जय। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों अब हम बाहर आ गए हैं, यहाँ पे देखिए कितनी सारे नारियल, भक्तों की मनोकामनाएं में ये देखिए कितने चारों तरफ हर तरफ नारियल ही नारियल,
क्योंकि जो भी जिसको भी अर्जी लगानी होती है वो लाल कपड़े में नारियल में लगाता है यहाँ बागेश्वर धाम में, और उसकी अर्जी जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों हमारा दर्शन हो चुका है, दर्शन करने के बाद बाहर जाएंगे, ये देख लीजिए। अब हम बाहर जाने के बाद काफ़ी सारे लोग हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं क्योंकि अंदर करने नहीं देते दोस्तों। तो हम बाहर यहीं पे ये देखिए दर्शन हो गए, हमारा अर्चना हो गया, पूजा अर्चन करने के बाद हम बाहर आएंगे। अब बाहर आने के बाद दोस्तों हम थोड़ा लोग कुछ खरीदेंगे, ख़रीदने के बाद फिर अपने घर चले आएंगे। तो दोस्तों जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ जय बागेश्वर धाम जय बालाजी सरकार जरूर लिखिए और अपनी मनोकामनाएँ पूर्ण करिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ये देखिए हवन कुंड, अब यहाँ से परिक्रमा मार्ग शुरू होता है। दोस्तों हम पहले परिक्रमा करेंगे, ये है हवन कुंड, यहाँ भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये हनुमान जी बालाजी सरकार का। तो हमारा परिक्रमा शुरू हो गया है, अब हम परिक्रमा कर रहे हैं दोस्तों। 11 परिक्रमा जो भी आपकी मनोकामना है 5, 11, 21, 51 वो आप परिक्रमा करके ज़रूर करें जिससे कि आपकी सारी भव बाधा दूर हो जाए। तो हमने भी 11 परिक्रमा पूर्ण कर चुके हैं, ये लगा रहे हैं अभी। 11 परिक्रमा लगने के बाद तब दोस्तों हम 11 परिक्रमा हवन कुंड का भी करेंगे साथ में। तो देख लीजिए हमारे साथ काफ़ी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, ये देख लीजिए दोस्तों। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम 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 सीताराम। देख लीजिए दोस्तों भक्तों की भीड़ दिन जस जस समय होता जा रहा वैसे ही भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ बागेश्वर धाम बालाजी सरकार में। तो आप लोग भी दोस्तों हमारी 11 परिक्रमा पूर्ण होने हुआ, तब हम 11 परिक्रमा करेंगे हवन कुंड का। तो ये देख लीजिए दोस्तों हमारा 11 हवन कुंड का परिक्रमा भी चालू होने करेंगे। उसके बाद दोस्तों का परिक्रमा करने के बाद हम आए हैं बाबा जी के जहाँ बैठते हैं, वहाँ पे भी लोग मोबाइल मना कर देते दोस्तों। तो ये देखिए कितने चोरी से मैंने